अस्त्युत्तराभ्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरुतो यनिधिवगाह्यः स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। बंधुओं, यह पूरा संसार नित्य निरंतर यह प्रयत्न करता है कि वह जीवन में सुखी हो जाए, पर विडंबना की बात यह है वह जितना धनवान होता जाता है, जितना वैभववान होता जाता है, उतना ही वह संपन्न धन से संपन्न हो जाता है, लेकिन सुखी यदि आप पूछें तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। क्योंकि उसका कारण क्या है कि संसार में ये 6 चीज़ें हैं जो व्यक्ति को सुख प्रदान करती हैं। ये यदि अनुकूल हों तो व्यक्ति निश्चित ही वही सुखी कहलाता है। वो क्या है? सर्वप्रथम है कि अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। सर्वप्रथम है अर्थागमो। जिस व्यक्ति के घर में निरंतर आय का संसाधन बना है, समझ लीजिए प्रथम सुख उसको प्राप्त है। और दूसरा है नित्यम आरोग्यता। जिस व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का रोग नहीं है, समझ लीजिए उस व्यक्ति को भी सुख प्राप्त है, उसको दूसरा सुख प्राप्त है। अर्थात जिसके पास धन का आगमन नित्य हो रहा है और आरोग्यता है, तो उसके पास ये दोनों ही सुख हैं। तीसरा है प्रिया च भार्या। अपनी प्रिय, अपनी पत्नी जो है उस व्यक्ति को सबसे प्रिय होनी चाहिए। संसार में अनेक हों तो भी किसी से कोई मतलब नहीं है, अपनी पत्नी में ही उसकी रति हो, उसका प्रेम प्रगाढ़ हो, समझ लीजिए वह भी सुखी है व्यक्ति। चौथा क्या है? चौथा है प्रियवादिनी च, और अपनी पत्नी अपने आप को प्रिय हो और वह प्रिय बोलने वाली हो, सुमधुर बोलने वाली हो। क्योंकि आप कितना भी प्रयत्न करके, कितना भी आप काम करके यदि थके हारे घर पहुंच जाएं, तो आप उनकी बातों को सुन करके ही आप सारे दुख दर्द को, सारे परिश्रम को आप भूल जाएं। यदि ऐसा है तो आप उस व्यक्ति को चौथा सुख भी प्राप्त है। पांचवा है कि वश्यश्च पुत्रो। अपना पुत्र जिसके लिए व्यक्ति पूरा धन वैभव सारा कमाता है, यदि वह अपने बस में है तो यह भी बहुत बड़ा सुख है, और ये पांचवा सुख है व्यक्ति का। और अर्थकरी च विद्या छठा है। जो व्यक्ति जिस विद्या को उसने ग्रहण किया है, विद्या शिक्षा, जिस शिक्षा को ग्रहण करने में जीवन का एक भाग वह लगा देता है 4 भागों में से, प्रथम 25 वर्ष, वह विद्या यदि पढ़ करके वह कुछ नहीं कर पाया तो समझ लीजिए वह दुख है। लेकिन जो विद्या उसने प्राप्त किया है, यदि उससे वह लाभ सदैव वह अपने अर्थ यानी अपने काम आती है तो वह विद्या, तो समझ लीजिए उसे यह 6 सुख प्राप्त हैं। जिस व्यक्ति को यह समस्त नित्य निरंतर उसके आय के संसाधन हैं, जीवन में आरोग्यता है, अपनी पत्नी उसको सबसे प्रिय है और वह प्रिय बोलने वाली है, पुत्र अपने बस में है, और जो विद्या उसने प्राप्त की है वह विद्या उसका सदैव काम देने वाली है, जिस व्यक्ति के पास यह 6 हैं, समझ लीजिए संसार में उससे बड़ा सुखी कोई नहीं है। यही 6 जीवलोक के सुख हैं। बंधुओं, आगे हम पुनः एक नई जानकारी आपको प्रदान करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।